चाहेगा रिक्शा वाला कि हमारा बच्चा रिक्शा चलाए जी, यहाँ का बेसा वृत्ति बंद करिए। हम लोग बीच में रहते हैं, चारों तरफ से हम लोग को दबाव दिया जा रहा है। न्याय करो, न्याय। दोस्तों नमस्कार, मैं आज एक ऐसी आपको सच्चाई दिखाने जा रहा हूँ। ये एशिया का एक सबसे बड़ा गांव है, गाजीपुर जिले का गहमर। गहमर का तो नाम एशिया में मशहूर है और आप लोग सुने ही होंगे। वो इतना बड़ा गांव है कि जैसे वहाँ आर्मी की भर्ती भी होती है, उसी गांव में कैंप भी लगता है, उसी गांव की शादी उसी में होती है। इतना बड़ा गांव है, तो आप समझ सकते हैं कि जो एशिया का इतना बड़ा गाँव है, इस समय वहाँ जो है एक टेंट चल रहा है, एक वीडियो वायरल हो रही है। उसी गहमर गांव के बगल में एक बसुका गांव है, जो वहाँ के कुछ एक गांव में जो है तवाइफों का जो है इस समय बहुत तेज़ी से वीडियो वायरल हो रहा है हर न्यूज़ चैनल पे और वेबसाइट पे। और जो है मैं उसको देखा और उसके बारे में सोचा कि आपको भी अवगत कराऊं और दिखाऊं। तो वहाँ की जो है बेसाएँ जो है किस तरीके से रहती हैं और किस तरीके से अपना जीवन यापन करती हैं और उस गांव के लोग क्या कह रहे हैं, और उस पर जो है मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। नमस्कार। हम लोग को कितना मेहनत करना पड़ता है, आप हमारे गला को देख लीजिए। बाहे पूरा भैया हो नर्मदा, बाहे पूरा भैया हो नर्मदा, अरे पवनवा करे झकझोर, अरे राजा जी के तो इनकी डिमांड उनके आगे कम होने लगी जी। जी तो ये लोग जो हैं बस नाच मुजरे की आड़ में ये लोग देह व्यापार जी जी। यानी अपने शरीर को बेचने वाला धंधा ये लोग चलाने लगे जी। और कई अश्लील वीडियो वायरल करने लगी जी। इससे हमारे गांव के जितने भी लोग हैं, जितने भी गांव चाहता हूँ ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग वेश्यावृत्ति नहीं करते हैं जी। तो आप इनके आधार कार्ड चेक करवाइए, बेटे के जगह पे अपने मामा का, अपने नाना का, अपने चाचा का नाम डालती हैं। स्कूल में जिस बच्चे को दाखिला डलाती हैं उस बच्चे के नाम का, बाप का नाम के जगह पे अपने मामा का नाम वेश्यावृत्ति करते हैं। नृत्य कला की आड़ में, नाच मुजरा की आड़ में वेश्यावृत्ति नहीं करते। भाई साहब आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? हम कहना ये चाहते हैं अपने डीएम साहिबा से जी जी, कि ये बताइए हमारे गाजीपुर जिला में जी जी 1237 गांव है जी,
1237 गांव में किसी गांव में मुजरा नाच मुजरा या बेसुआ वृत्ति किसी गांव में हो रहा है? हम ये डीएम साहिबा से पूछना चाहते हैं, अगर किसी गांव में होता हो जी, तो हमारे गांव में हो, हमको एतराज नहीं है। अगर किसी गांव में नहीं होता हो तो हमारे गांव से जल्द खत्म किया जाए। अरे गजब, क्या नाम है भाई आपका, नाम पूछ सकते हैं? हाँ हाँ पूछिए। हमारा नाम मोहम्मद अजीम अहमद, मेरा नाम है मोहम्मद छोटू। तो आप छोटे ही हैं, हमसे छोटे हैं, हमारे छोटे भाई हैं। और छोटू भाई ने बहुत अच्छी बात कही है कि यदि कहीं होता हो गाजीपुर में तो यहाँ भी चालू करा दीजिए साहब, और नहीं तो यहाँ भी बंद कर दीजिए। अगर खत्म होना चाहिए, अगर खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, ये सब कुछ खत्म होना चाहिए सर, बिल्कुल मुकम्मल तरीके से जी। अभी जो हमारे छोटे भाई ने कहा जी कि अगर गाजीपुर में जी अगर किसी गांव के अंदर जी किसी कस्बे के चाहता हूं, और जो है कि आपके माध्यम से मैं बड़े अधिकारियों से मैं जानना चाहता हूं। गाजीपुर के डीएम मैडम आप जाग जाइए, आप जाग जाइए, और इसलिए जाग जाइए कि बहुत जल्दी आपकी भी बदनामी होने वाली है। आप उस पद पर हैं, उस जिले में हैं जहां के आप जिला अधिकारी हैं, और ये जनता परेशान है। और जनता क्यों परेशान है? डीएम साहब न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, डीएम साहब न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। डीएम साहब आपको जागना पड़ेगा, इसलिए जागना पड़ेगा कि ब्रजभूषण बढ़िया ही फंसाया जा रहा है, इसलिए इससे हम लोग को निजात दिलाए योगी जी। योगी जी आपका हम लोग बहुत आभारी होंगे कि हम लोग को निजात दिलाइए, यहाँ से बेसुआ वृत्ति खत्म कर दीजिए। योगी जी बहुत सारे मीडिया समूह में ये आता है कि मुस्लिम जी। कोई रक्षा चलाता हो चाहेगा रक्षा वाला कि हमारा बच्चा रक्षा चलाए जी। जब ये बीत गए रंडियों का बेसुआ वृत्ति, तो इसको बेसुआ वृत्ति को खत्म करिए। ये नहीं चाहे कि बेटियों को डाले, नातियों को डाले, पोतियों को डाले, सबको यही को डालेंगे। ये सब बंद करिए, यहाँ का बेसुआ वृत्ति बंद करिए। हम लोग बीच में रहते हैं, चारों तरफ से हम लोग को दबाव दिया जा रहा है। चारों तरफ फलाने वो फलाने तवाइफ का घर है, वो फलाने तवाइफ का घर है, तो वो लोग बोलने पे आ जा रही है, झगड़ा लड़ाई करने पे आ जा रही है वो लोग, तो क्यों हमारा घर क्यों तुम लोग दिखाई? देखिए दोस्तों, हम एक महिला के घर गए।